गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम पहुंचे श्री पंडायन। इस जगह को श्री पंडायन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे पांडवों ने एक ही रात में कुएं का निर्माण किया था और उन्होंने साथ ही साथ यहाँ पे कुंती माता के साथ रात बिताई थी और एक ही रात में उन्होंने उस कुएं में सीढ़ियां भी बनाई थी। आपको उन सीढ़ियों के दर्शन भी करवाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लास्ट तक देखें। पंडायन का कुआं है, ये पांडवों के द्वारा एक ही रात में निकाला गया, आप देख सकते हैं वीडियो में। ये सीढ़ियां भी उनके द्वारा बनाई गई हैं, ये सीढ़ियां कुएं के नीचे तक है। तो चलिए आपको साथ ही साथ सीढ़ियां भी दिखाते हैं। ये गुफा के जैसा व्यू है यहाँ पे और नीचे सीढ़ियां कुएं तक है, आप देख सकते हैं कुएं का व्यू इधर से। बहुत सारी सीढ़ियां हैं, आपको यूनिक व्यू देखने को मिल रहा है आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से। कितना सुंदर व्यू है ये। ये कुआं पांडवों के द्वारा बनाया गया, ये कुआं श्री पंडायन में है, तो इस जल को गंगा जल के समान माना जाता है। ये कुआं द्वापर युग में एक रात में निकाला गया था, आप देख सकते हैं, वो आपको कछुआ भी दिखाई दे रहा होगा इस कुएं में, आप कछुआ भी है। तो साथ ही साथ कितनी सारी सीढ़ियां हैं, पूरे कुएं में सीढ़ियां हैं, नीचे तक सीढ़ियां हैं, यहां तक पानी आ चुका है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं ये ऊपर तक सीढ़ियां है, कुएं का व्यू देखिए, ये पांडवों के द्वारा निकाला गया है। इस स्थान पे माता कुंती के साथ पांडवों ने रात बिताई थी, तभी से इसको श्री पंडायन के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं ये वही स्थान है। यहाँ पे बजरंग बली की प्रतिमा है। यहाँ पे भगवान शिव का निवास स्थान है। ये जो शिवलिंग है ये भी पांडवों के द्वारा यहाँ पे स्थापित किया गया था। द्वापर युग से ये शिवलिंग यहीं पे है, आप देख सकते हैं उनके द्वारा स्थापित किया गया शिवलिंग। ये नंदी महाराज है और ये सामने शिवलिंग है। जो ये आप पत्थर की शिला देख रहे हैं ये भी पांडवों के द्वारा स्थापित की गई हुई है। इस पीपल के वृक्ष के नीचे आप देख सकते हैं कितनी सारी प्रतिमाएं।